तो आज हम बात करने वाले भूत के बारे में। तो वही भूत जिससे हमारी बचपन में इतनी फटती थी कि आधी रात को भी टॉयलेट आ जाए तो हम मम्मी को साथ लेकर जाते थे, कुछ लोग तो चड्डी में ही मूत देते थे। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ। तो आज हम बात करने वाले भूत पकड़ने वाले ब्लॉगर्स के बारे में, मतलब हॉरर ब्लॉगर्स के बारे में। इनकी भूत से तो इतनी फटी पड़ी रहती है तब भी ये भूत की लेना चाहते हैं, पर भूत इनकी ले लेता है। कौन हो तुम? अरे इतनी रात को कौन हो सकता है, भूत ही हो सकता है ना। तुम इधर किस लिए आए हो? भूत ही पकड़ने आया तो भूत ही होगा ना। इसे देखकर तो मुझे भूत नहीं लग रहा, मुझे इसे देखकर ऐसा लग रहा कि कोई सांता क्लॉस रात में मूंगफलियां बेच रहा हो। तो इतना हल्लू सिर क्यों पटक रहा है? जोर से पटक और जोर से पटक, इतना जोर से पटक कि सिर से खून निकलने लग जाए। हेलो, अरे अब ये कौन सा रामदेव बाबा जो आधी रात को तपस्या कर रहा है? इसके बाद हम ऐसा ब्लॉगर देखने वाले जिसने भूत से ही शादी कर ली। तुम कौन हो? ये भूत पकड़ने वाले ब्लॉगर खुद तो चूतिया होता है, इन्हें लगता कि हम चूतिया है। मतलब तू इतनी रात को इधर क्यों आया? भूत ही पकड़ने आया तो भूत ही होगा ना वो। मुझे यहाँ पे बुलाया है। अरे तुम लोग एक्टिंग कर रहे हो तो सही से कर लो ना। वो भूत इतनी कोसों दूर खड़ा है तब भी ऐसे चिल्ला रहा है जैसे माइक में अपनी नाक घुसेड़ के चिल्ला रहा हो। भाई डर मत। अरे तुम लोगों की इतनी गांड फटती है तो क्यों आते हो भूत पकड़ने? जिसकी तो गांड फटी रही है साथ में कैमरा मैन ने तो चड्डी में मुंह ही दिया होगा। नहीं यार, मैंने आपको बुलाया। नहीं, अभी क्या कहा तूने? मैंने आपको बुलाया। अबे तूने उसे बुलाया तो तुझे नहीं पता वो कौन है? तुम कौन हो भाई? स्क्रिप्ट कौन सी गांजा फूक के लिखी है तूने? यार ये कहेगी तो ये मेरी बलि ले सकती, तेरी नहीं लेगी यार। मैंने इसको बुलाया, तू डर मत भाई। यार ऐसा दोस्त किसी को ना मिले। इसको पता है कि इसकी खुद की बलि चढ़ने वाली, फिर भी अपने दोस्त को साथ में लेकर आया, क्योंकि ये खुद तो मरेगा ही मरेगा, अपने दोस्त को भी साथ में लेकर मरेगा। मैं ना जा पाऊँ, तू जिंदा जाएगा, मैं जा रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है तुम दोनों ही जिंदा नहीं बचने वाले हो, जिंदा बचेगा तो बस वो भूत। क्या बात कर रहा हूँ यार, मैं भूत तो पहले ही मर चुका है। अरे मत जा यार भाई। अरे 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 क्या कर रहे हैं यार भाई? अबे वो बोल रहा है मत जा, तो क्यों जा रहा है तू? तुझे अब समझ में नहीं आएगा, जब वो तेरे गोटे निकाल कर खेलेगी तब समझ में आएगा तुझे। पूरी कर दो भाई, उसका चेहरा देखो कितना खतरनाक है। अरे उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा है, और ये कौन सा भूत है जो अपने मुंह पर डांबर लिपट कर आ गए है? यक्षिणी, मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया, मेरी बस एक इच्छा पूरी कर दो। अरे अब समझ में आया, ये भूत से अपनी इच्छा पूरी करने आया? मतलब कौन सी इच्छा मांगने आया तू भूत से? यार कुछ बोलती नहीं है। अरे कैसे बोलेगी वो भूत जो ठहरी? ओ भाई मैंने कहा था ना मत जा, तब मान नहीं रहा था, अब मुझे भी पता नहीं वो भूत तेरे साथ क्या करेगा। जज गांड फाड़ देगा। मैं दुनिया का अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। अबे तुझे अमीर बनना है तो जाके काम कर, मजदूरी कर, या क्या कर रहा है तू? अब मैं गाना शुरू कर रहा हूँ। इतनी रात में सब अपनी गहरी नींद में सोए होंगे और ये इंसान किसी कोने में ये चिल्ला रहा है, मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। अमीर बनने के लिए तू भूत के पास चले गया, और मैं तुझे एक काम देता हूँ, तू मेरे पास आ जा। मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। अबे तुझे अमीरी बनना था तो जाके मजदूरी कर लेता, काम कर लेता। नहीं तुझे तो टाटा बिरला अंबानी बनना है। मुझे तो लगता है बिल गेट्स, एलन मस्क, अंबानी, अडानी सब इसी यक्षिणी के पास आए थे, तभी तो देख रहा हूँ वो कितने अमीर है। मेरी तीन शर्तें हैं यक्षिणी, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानूंगा। सारी शर्तें मानेगा अमीर जो बनना है तुझे? पहली शर्त है तुझे इसी समय मेरे साथ विवाह करना होगा। तो अमीर बनना है वो कर लेगा शादी। मेरी दूसरी शर्त, किसी प्राय स्त्री को छुएगा भी नहीं। नहीं छूंगा। वो छुएगा नहीं, छू कर देखेगा। तेरी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद तेरा दिल निकाल के अपने साथ लेकर जाऊंगी। दिल, फेफड़ा, किडनी साथ में, उसके आंड भी ले जाना। लेके जा सकती हो? पता नहीं भाई ये क्या कर डालेगी। भाई एक दिन मुझे मरना ही है, एक दिन मुझे मरना ही है। तो धीरे धीरे क्यों मर रहा है? एक बार में जहर खा के मर जाना, और खुद ही तो मर रहा है साथ में अपने दोस्त को भी लेकर मर रहा है। अमीर बनने के लिए इससे शादी कर रहा है? भाई मैं जानता हूँ ये कितनी खूबसूरत है, मैंने इसका इतिहास पूरा पढ़ा हुआ है। इतिहास में तूने ए नहीं पढ़ा कि वो तुझे जिंदा निकल जाएगी? गाइस आप देख सकते हो आपका भाई किससे शादी कर रहा है आज, किससे। अब तू फेरे ले ले, बाद में वो तेरी ले लेगी। तेरे हालात देख कैसे होगी। अरे भाई यार
तो दोस्तों मुझे भी अमीर बनना है, तो मैं जा रहा हूँ यक्षिणी से शादी करने। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ जल्दी।